है वो दिन जब मेरे बाल कितने लंबे हुए करते थे। हाँ, और मैं तुम्हारा दीवाना हुआ करता था। पर आजकल की लड़कियों के बाल तो देखो, लगता है जैसे कुत्ते के दुम है। क्या दादी, आप भी, मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे यही कहता है। अगर मैं होता तो कक्का छोड़ के चला जाता। अरे अपना देखना, मेरे बालों को लेकर दादा दादी ने मुझे बहुत ताना दिया, और मेरे बालों को कुत्ते की तुम भी कहा, तो मेरी इस प्रॉब्लम का कुछ आसान सा सलूशन बताना यार। ठीक है, आज तो कुछ ऐसा दिखाऊंगी कि कुछ दिनों बाद तेरी दादी भी बोलेगी, अरे मुझसे भी लंबे बाल, और सिर्फ लंबे ही नहीं, घना, शाइनी और हेल्दी भी। बस आप वीडियो ध्यान से देखना और कोई भी हैक स्किप मत करना, और साथ ही वीडियो को एक लाइक करके हमें अपना प्यार भी जरूर दिखाना। देखो, सबसे पहले एक एलोवेरा का पत्ता ले लो और इसका जेल बाहर निकाल लो, और फिर इसमें मिला लो एक चम्मच कैस्टर ऑयल। आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, पर कैस्टर ऑयल डालने से बाल ज्यादा घने बनेंगे। अब हम लेंगे एक टोमेटो। टोमेटो क्यों? अरे देखना, टोमेटो को इस तरह हाफ करने के बाद इस एलोवेरा मिक्सचर में टोमेटो को डालो, और फिर इस टोमेटो की मदद से इस मिक्सचर को लेके अपने स्कैल्प में लगा लो। इससे बालों में डबल बेनिफिट मिलेगा और हेयर ग्रोथ फास्ट प्रमोट होगा। इस ट्रिक से पतले बाल इतने घने बनते हैं ना कि बस एक महीने में ही डिफरेंस खुद देख पाओगे, और करने में भी बहुत आसान है। अप्लाई करने के बाद इसे बालों में एक घंटे के लिए रहने दो, और फिर शैम्पू करके बालों को धो लो। भैया मुझे हेयर स्पा, स्मूथनिंग, वैक्सिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर सब कुछ करना है। आओ, कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो हम लोग पहले हैं। Two hours later. अरे यार, क्या किया ये तूने? अरे डबल बैटरी देखूंगा तेरे को हाथ। अब तो कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा कि बार बार ये पार्लर के चक्कर खाना ही ना पड़े। हाँ, एकदम। तुमने आज हमें कुछ ऐसे हैक्स दिखा दिया जिससे हमारे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या सच में ग्लो स्किन मिलेगा? और मैं स्किन ब्लीच भी करवाऊंगी। अरे पागल, पार्लर से कभी भी ब्लीच नहीं करवानी चाहिए। घर पर इंस्टेंट ग्लोई स्किन पाने के लिए हम बनाएंगे एक नेचुरल ब्लीच। तो पहले हमें एक चम्मच आलू का रस, उसमें लेना है कुछ बूंद नींबू का रस और एक चम्मच हनी। अब लास्ट में इसमें मिलाना है दो चम्मच पील ऑफ मास्क। आप किसी भी पील ऑफ मास्क को यूज कर सकते हो। अब इसे अच्छे से मिला लेना है। तो ये ब्लीच हमारा रेडी है, अब इसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, ये जो ब्लीच है ना, ये पार्लर वाले केमिकल ब्लीच से कई गुना बेहतर है, क्योंकि इससे इंस्टेंट स्किन में ग्लो भी आएगा, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये ब्लीच आपकी स्किन से सारे गंदगी और डार्क पैचेस, सन टैन सभी को तुरंत कम कर देगा, और स्किन को एकदम ग्लोई बना देगा। अब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दो और फिर पील ऑफ कर लो। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बस आप खुद ही देख लो। पिंपल, आज तो मैं इसे फोड़ दूंगी। अरे नहीं, ऐसा मत कर, इसे ही तो फेस में पिंपल मार्क्स आ जाते हैं। तो इस पिंपल मार्क को कैसे हटाऊं? चल, एक चम्मच सिनेमन पाउडर और दो चम्मच हनी लेकर मिक्स कर लो अच्छे से। अब इसे लेकर एक्ने पिंपल्स मार्क्स पर अप्लाई करना है। सिनेमन और हनी साथ मिलके अपने स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से स्किन से सारे स्पॉट्स रिमूव कर देता है। अब अप्लाई करने के बाद ड्राई होने दो, फिर एक वेट वाइप की मदद से पोंछ लो। इसको हफ्ते में एक बार यूज करो। चुप के देखने की कोई जरूरत नहीं, इधर आ। क्या लगा रही थी तू आईब्रोज पे? मैं देखती हूँ हमेशा तेरी आईब्रोज बहुत अच्छी दिखती है। अरे हर वक्त मुझे आईब्रोज पे काजल लगाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं आईब्रोज जेल लगाती हूँ।
कितना पैसा खर्च करती है तू? अरे पागल, मैं इसे घर पे ही बनाती हूँ। सच में? आईब्रोज जेल बनाने के लिए पहले थोड़ा सा एलोवेरा जेल और ये डार्क ब्राउन आई शेडो पाउडर ऐड करके मिक्स कर लो। आप इसे बोतल में स्टोर करके भी रख सकते हो। अब बाहर कहीं भी जाने से पहले काजल की जगह ये आईब्रोज जेल लगा लो। इससे आपके आईब्रोज नेचुरल दिखेंगे। अब देखो मेरी आईब्रोज, लग रहा है ना एकदम नेचुरल। आओ नई बहू, तुम्हारी स्वागत करती हूँ। भैया ये कैसी बहू लाया तूने, दूध को भी काला कर दिया, कितने काले पैर हैं इसके, कल भी जा। अब अगर पैरों में इतना टैन पड़ गया हो तो पैरों को चमकाने के लिए सबसे पहले एक टब में वार्म वाटर ले लो और उसमें डाल दो बॉडी वॉश। बस पैरों को डुबो के रखो कुछ देर तक। अब एक ब्रश से रब करते रहो 2 मिनट तक। अच्छे से रब करना ताकि पैरों में जितने भी डर्ट गंदगी हो सब रिमूव हो जाए। अब हमें बनाना है एक स्पेशल ब्लीच। इसे बनाने के लिए 2 चम्मच बेकिंग सोडा। अब उसमें डाल दो टोमेटो जूस करीब 1 चम्मच और 1 चम्मच लेमन जूस ऐड करके मिक्स कर लो अच्छे से। बस हमारा फूड ब्लीच तैयार है। अब इस मैजिकल ब्लीच को लेकर पैरों पे लगा लो। लगाने के बाद ड्राई होने के लिए छोड़ दो। जब ड्राई हो जाए तब इस तरह से रब करो। इससे ना पैर इंस्टेंट इतना ग्लो करेगा कि बस देखते ही रह जाओगे। अब पैरों को वॉश कर लो। बस देखो ये पैर नहीं हीरा है हीरा। अरे बुड्ढा गिर गया। बड़ा आया फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।